हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल त्यागी। आपका स्वागत है हमारे चैनल विशाल त्यागी ब्लॉग एंड डिजिटल मार्केटर पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूनिवर्सल एनालिटिक्स, जो कि गूगल एनालिटिक्स का पुराना वर्जन है, उसमें व्यू को कैसे डिलीट और रिस्टोर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल एनालिटिक्स ने रिसेंट में न्यू वर्जन लॉन्च किया है, गूगल एनालिटिक्स 4, जो कि आपका एनालिटिक्स और अकाउंट और प्रॉपर्टी पर ही काम करता है। वहां पर व्यू बेस कोई काम नहीं है, तो इसलिए आपका जो भी व्यू बेस काम होगा वो आपके पुराने वर्जन यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स में होगा, जहाँ पर अकाउंट प्रॉपर्टी और व्यूज पर काम होता है। गूगल एनालिटिक्स का पुराना वर्जन यूनिवर्सल एनालिटिक्स व्यूज पर काम करता है, जबकि न्यू वर्जन जो कि लॉन्च किया है गूगल एनालिटिक्स 4, वो ओनली इवेंट बेस काम करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल एनालिटिक्स 4 क्या है और यूनिवर्सल एनालिटिक्स और गूगल एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है, तो आई बटन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल एनालिटिक्स में व्यू या मल्टीपल व्यूज को कैसे डिलीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडमिन सेक्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका अकाउंट प्रॉपर्टी व्यू शो होगा और यहाँ पर आपका व्यू शो होगा, व्यू सेक्शन। तो सबसे पहले हम आपको सिंगल व्यू को डिलीट करके बताएंगे। सिंगल व्यू को डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पर व्यू सेटिंग्स पर जाना होगा। यहाँ पर आपके व्यूज की डिटेल आ जाएगी और इसके बाद में आपको यहाँ पर मूव टू ट्रैश कैन का ऑप्शन मिलेगा। आप मूव टू ट्रैश कैन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप मूव टू ट्रैश कैन में ट्रैश व्यू पर क्लिक करें। इसके बाद में आपका पर्टिकुलर व्यू डिलीट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था सिंगल व्यू को डिलीट करने का। अब हम आपको इस व्यू को रिस्टोर करके बताएंगे। आपकी व्यू के डिलीट होने की इंफॉर्मेशन जीमेल आईडी पर चली जाएगी। आप प्राइमरी ऑप्शन में जाएं और गूगल एनालिटिक्स व्यू स्केड्यूल फॉर डिलीशन। अगर आप इस व्यू को 35 दिन तक रिस्टोर नहीं करते हैं तो आपका व्यू परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, और अगर आप इस व्यू को 35 दिन से पहले रिस्टोर कर लेते हैं तो आपका व्यू रिस्टोर हो जाएगा। और अपने व्यू को रिस्टोर करने के लिए या तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या आप गूगल एनालिटिक्स में ट्रैश कैन से भी व्यू को रिस्टोर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे सिंगल व्यू को रिस्टोर कैसे करें। तो सबसे पहले आप ट्रैश कैन पर जाएं और यहाँ पर आपको आपका व्यू अकाउंट प्रॉपर्टी व्यू का ऑप्शन मिलेगा। व्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, तो व्यू ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपका यहाँ पर भी आपका व्यू शो हो जाएगा। जब आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अकाउंट प्रॉपर्टी और व्यू डिलीटेड जो भी होगा वो शो हो जाएगी। तो इसके बाद में आप नेम पर सेलेक्ट करें, और अगर आपने मल्टीपल व्यूज डिलीट कर रखे हैं, अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपके सब रिलेटेड व्यूज सेलेक्ट हो जाएंगे और आप रिस्टोर पर क्लिक कीजिए और यस पर क्लिक कीजिए। तो आपका व्यू यहाँ पर सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है। अब हम दोबारा बैक जाएंगे, दोबारा इसको रिफ्रेश करेंगे अकाउंट को गूगल एनालिटिक्स के, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका व्यू दोबारा वैसे ही आ जाएगा। तो आपका व्यू जो का तू रिस्टोर हो चुका है। तो ये प्रोसेस था गूगल एनालिटिक्स में सिंगल व्यू को रिस्टोर और डिलीट करने का। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मल्टीपल व्यूज को गूगल एनालिटिक्स में कैसे डिलीट करें, तो इसके लिए आपको अपना अकाउंट ही डिलीट करना होगा। आपके सभी व्यूज डिलीट हो जाएंगे, अदरवाइज आपको अलग अलग व्यूज में जाकर व्यू सेटिंग्स पर जाकर आपको मूव टू ट्रैश कैन करना होगा, और इसके बाद में रिस्टोर का प्रोसेस भी वही रहेगा। तो ये पूरा प्रोसेस था गूगल एनालिटिक्स में पर्टिकुलर व्यू और मल्टीपल व्यूज को डिलीट और रिस्टोर करने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करते रहें। आपकी ब्लॉग स्पॉट गूगल एनालिटिक्स एसईओ या टैग मैनेजर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में टाइप करें, उस पर वीडियो क्रिएट करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।